तो चलो इस लेक्चर में हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। ऑर्थोगोनल से क्या आपके मन में क्या ख्याल आते हैं बताओ, क्या सोचते हो आप? क्या अपन ऐसा कह सकते हैं जो दो सर्कल जो है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना? तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे देख रहे हो, एक सर्कल ये है जिसका सेंटर C1 है, दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर C2। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे अपन कह सकते हैं X1, Y1, ठीक है ना? अगर तुम यहाँ पे देख रहे होगे तो क्या ये दोनों सर्कल बता रहा है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है? भाई ये कैसे हम समझे जो ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है? तो अगर इस पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट क्या कॉमन पॉइंट है दोनों सर्कल का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर पी पॉइंट पे यानी कि पहले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक चीज बताओ, जो एक सर्कल है दूसरा सर्कल ये है, पहले समझ लेते हैं। ये बोला है जो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और पी पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे वो 90 डिग्री बना रहा है। ऑर्थोगोनल का मतलब यही है। अब सोचो अगर P पॉइंट पे हम लोग C1 सर्कल पे, इसको हमने बोल दिया जो ये सर्कल है जिसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर जो है C2 है, अगर हम C2 पे टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पे, ठीक है ना? C2 सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और C1 सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसा अगर इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो हम लोग कहेंगे ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपने क्या क्या दोनों सर्कल पे इंडिविजुअली आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर उन टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो सर्कल क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? ठीक यस है सर। भाई। अब सोचो आप थोड़ा सा, जो ये हमने सेंटर से क्यों पास करा दिया, आपने एक चीज पढ़ा था जो अगर कोई सर्कल है, मान के चलो इस पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट ऐसा होगा। अगर मैं बोलूंगा पी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो क्या नॉर्मल हमेशा सर्कल पे सेंटर से पास करता है क्या? सर्कल के सेंटर से पास करता अच्छा है, ये नॉर्मल हो जाएगा और ये टेंजेंट हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे यूज करो तो कह सकते हो जो अगर हम लोग देखें तो ये C1 सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, ठीक है? अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन इसी पे ड्रॉ करेंगे तो क्या वो लाइन क्या C1 सर्कल पे नॉर्मल होगा क्या? उस पॉइंट पे अगर नॉर्मल होगा तो क्या सेंटर से पास करेगा? यस। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो। तो ऐसे ही तुम कह सकते हो जो अगर हम C2 सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें P पॉइंट पे, ठीक है ना, और उसी P पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या वो C2 से पास करके जाएगा? यानी कि इसका टेंजेंट जो है, यानी कि C1 का जो टेंजेंट है, क्या ये C2 के लिए नॉर्मल हो जाएगा? यस बताओ, सर। ऐसा होगा? ठीक है, तो अगर ये आपको क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं इसमें कंडीशन देखते हैं जो भाई अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो कंडीशन क्या होगा, बिल्कुल आराम से समझना है। तो सोचो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने बोल दिया X1, Y1, ठीक है? अब अगर ये वाला नॉर्मल होगा तो अपने को पता है क्या C1P जो है क्या वो R1 के इक्वल होगा, मतलब रेडियस के इक्वल होगा? सेंटर से सर्कमफेरेंस पे किसी पॉइंट को मिलाओगे तो क्या वो रेडियस के इक्वल होगा और ये R2 के इक्वल होगा? क्या यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या? यस सर। राइट एंगल ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? ऐसा है, ये आपका P है, ये C1 है, ये C2 है, ऐसा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो तुम यहाँ पे क्या कह सकते हो, पाइथागोरस यूज किया जा सकता है, यानी कि C1P² + C2P² इक्वल्स टू क्या ये C1C2² बोल सकते हैं? ऐसा हो जाएगा क्या? यहाँ से R1² + R2² इक्वल्स टू क्या आया, C1C2² आया, मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा कह सकते हो आप? यस सर। बताओ ऐसा कह सकते। तो अगर यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखना चाहें
ठीक है ना। अगर कंडीशन लिखना चाहें तो क्या कंडीशन लिख सकते हैं? तो सोचो पहला सर्कल जो है उसका इक्वेशन आपने बोल दिया जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ये पहला सर्कल है। दूसरे सर्कल का इक्वेशन आपने लिख दिया जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ओके चलेगा। तो अगर हमें सर्कल का इक्वेशन पता है तो क्या मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ? ये माइनस जी वन कॉमा माइनस एफ वन होगा। और इसको क्या बोल सकते हो? माइनस जी टू कॉमा माइनस एफ टू। क्या ऐसा होगा? यस सर। तो अगर ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप मुझे ये बताओ कंडीशन, अभी आपने क्या लिखा था? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आपने ये लिखा जो भाई यहां से हम कह सकते हैं जो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन सी टू होल स्क्वायर, ऐसा क्या? अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कंडीशन हमें लिखना चाहिए। yes, तो आर वन स्क्वायर आप बता दो किसके इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस तो आपको लिखना आता है। क्या ये आर वन स्क्वायर इक्वल्स टू आप बोलोगे जो जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन, और आर टू स्क्वायर यानी कि रेडियस आप क्या लिखोगे? क्या ये जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू, ऐसा लिखोगे क्या? यस सर, ऐसा लिखोगे। तो अब सोचो यहां से इसको फिट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन प्लस जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू इक्वल्स टू सी वन सी टू के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा? क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ, क्या ये जी वन माइनस जी टू होल स्क्वायर प्लस एफ वन माइनस एफ टू होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ऐसा होगा क्या? स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ से आपको दिखेगा क्या ये जी वन स्क्वायर प्लस जी टू स्क्वायर माइनस टू जी वन जी टू प्लस एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू, ऐसा होगा। अब अगर यहाँ से तुम कैंसिल करना चाहोगे तो तुम्हें एक कंडीशन दिख रहा होगा, यार देखो ये 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 और ये कैंसिल हो रहा है ऐसा। और अगर इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो क्या यहाँ पे टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल्स टू क्या सी वन प्लस सी टू आया? बताओ। yes, ऐसा है। yes, यानी कि अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच का जो कंडीशन होगा यही होगा, टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू, ओके okay? ये हमें याद रखना है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो अभी जो हमें मतलब क्या करना है, एक तो ये कंडीशन हमें याद रखना है, दूसरा एक फिगर याद रखना है। फिगर क्या याद रखोगे भाई? जो एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, क्योंकि अगर फिगर याद रहेगा तो कंडीशन अगर अपन भूल भी जाएं, ठीक है ना, तो हम ला सकते हैं वहां से। तो क्या आप सोचोगे अगर ये P पॉइंट पे हम दूसरे वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाला होगा, ठीक है, और P पॉइंट पे पहले वाले सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाला होगा। अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर, यानी कि इसके बीच का एंगल क्या होगा? 90 होगा, और इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम कह सकते हो जो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन सी टू होल स्क्वायर। इसी कंडीशन से वो ऊपर वाला आया जो टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू। हियर सबको बताओ। यस सर। यस सर। थ्योरी पार्ट इतना ही था इसमें।
अब इस थ्योरी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो हमें साथ में ट्राई करना है कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो फटाफट। इसने बोला है टू सर्कल्स विद सेंटर एट ए 2.3 एंड बी 5.6 एंड हैविंग इक्वल रेडियस, ठीक है ना, आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। क्या आपने को फिगर बना लेना चाहिए पहले? तो मैंने बोला जितना तुम्हें थ्योरी पढ़ाया बस उतना ही याद रखना, उससे 8% ज्यादा नहीं, उतने पार्ट से ही क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। एक का सेंटर ए है 2.3 और दूसरे का सेंटर क्या है 5.6। आ गया, सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर ऑर्थोगोनली कर रहा है तो ये ऐसा मिला दोगे, ये 90 डिग्री होगा और रेडियाई क्या दोनों का इक्वल है तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन लगाना चाहिए, क्या आर स्क्वायर मतलब राइट एंगल ट्रेंगल है तो तुम बोलोगे जो ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस बता दो यार, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या ये 18 आ रहा है, यानी कि 2 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 आएगा आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, ये वाला थ्योरी उतना ही है, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेना क्या बोलना चाह रहा है। इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ए पॉइंट वेयर द टू सर्कल विथ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट 90 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज। सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करना है, इससे आपको आइडिया लगेगा, फिर आप खुद से कर डालोगे। तो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल का रेडियस जो है वो 5 है और बोला है जो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तुम कह ही सकते हो जो 90 डिग्री बना रहा होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा। तो एक का रेडियस 5 है, दूसरे का 12 है और इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, तो ये मिला दो, ठीक है। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, अगर मैं इसको A बोल दूं, ये B बोल दूं, तो क्या AB को अगर मिलाओगे तो यही तो कॉमन कॉर्ड होगा ना आपका, क्या कॉमन कॉर्ड यही है? यस सर। तो कॉमन कॉर्ड यही है, इसी का लेंथ आपसे पूछा है, जिसमें आपको बताना है AB इक्वल्स टू क्या होगा। चलिए लग जाइए। अब सोचो यार, अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो क्या C1 C2 किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल होगा, 13 होगा, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो एक चीज तो तुमने और भी पढ़ा होगा, क्या यहाँ पे ये कह सकते हो जो ये मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो इसको अपन M लिख सकते हैं। क्या AB इक्वल्स टू 2AM बोल सकते हो, बताओ, ऐसा लिखा जा सकता है? Yes, sir. लिखा जा सकता है। तो अब ज्योमेट्री के हेल्प से, ये बच्चों टाइप का ज्योमेट्री है, सी आ रहा है, देख लेते हैं। तो 9th क्लास वाला ज्योमेट्री लगाया जाए और आंसर बताया जाए। ये ए है, 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे ये C1 है, यहाँ पे ये C2 है, और ये आपका मिड पॉइंट है, और ये 5 है, ये 12 है, हमें इसका वैल्यू चाहिए, AM चाहिए। अगर मैं इसको थीटा बोल दूँ, अगर मैं इसको थीटा बोलूँगा और ये वाला लेंथ पूरा 13 है और हमें निकालना है AM निकालना है, तो थीटा अभी किसके इक्वल लिख सकते हो,
अगर साइन थीटा के बारे में बात करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लिख सकता हूँ 12/13, ये सबको समझ में आ रहा होगा। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर तुम बात करोगे तो क्या 12/13 लिखोगे भाई? यहाँ पे ए पे 90 है, ये तुम्हारा C1 है, C1 तुम्हारा एंगल ये थीटा है, और यहाँ पे तुम्हारा ये C2 है, तो ए सी टू जो है वो किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल है, ये 13 के इक्वल है। तो क्या तुम यहाँ से साइन थीटा 12/13 बताओगे? यस सर, 12/13 होगा। जब भी आ रहा है, जब भी आ रहा है, चल देखते हैं। तो अगर हमें ए एम चाहिए तो तुम बोलोगे ना यार, अगर हम छोटे ट्रेंगल में बात करें तो उसमें भी साइन थीटा लिख सकते हैं इस वाले ट्रेंगल में साइन थीटा किसके इक्वल लिखोगे? क्या ये ए एम बाय, इस वाले ट्रेंगल में बात करोगे तो ए एम बाय कितना लिखोगे? 5 लिखोगे? बताओ AM by 5 लिखोगे? ये सब तो आता होगा सबको यार। तो AM equals to क्या हो जाएगा? 60/13 होगा। और AB क्या आपका 2 times AM है, तो क्या ये 120/13 होगा आंसर? क्या ये सबको समझ में आया? हेलो, यस सर। ऐसा नहीं बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, नहीं भाई, ये तो 9th वाला बच्चा कर लेगा, इतना कंडीशन डाल दे दोगे इसको तो। सर, हाँ जी सर, वैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग ने C1 से M की डिस्टेंस निकाल ली और C2 से M की डिस्टेंस निकाल ली और दोनों को इक्वल कर देंगे तो 13 के इक्वल आ जाएगा। वैसे C1 से M की डिस्टेंस और C2 से M की डिस्टेंस, ऐसा बोल रहे? यस सर। तो एम की डिस्टेंस कैसे निकालना चाहोगे? सर जैसे इस ए सी वन एम में ट्रायंगल में सी एम की डिस्टेंस हो जाएगी √25 − x2, अगर हम लोग सी एम और सी वन और एम को x मान ले तो। अच्छा, एक काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये जो मिड पॉइंट है, अगर हमें ये फाइंड करना है तो वो तुमने पढ़ा था एक लेक्चर जो मैंने तुम्हें भेजा था, उसमें तुम रेडियस के रेशियो में क्या ये कह सकते हो वो एम पॉइंट आएगा, एम पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि एम जो है क्या वो C1 C2 को R1 → R2 में डिवाइड कर रहा होगा सर। अगर दोनों का मान लीजिए रेडियस सेम है तो CM क्या कहते हैं, CM इज इक्वल्स टू एम सी टू हो जाएगा ना, C1M is equal to MC2। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे, लेकिन यहाँ पे तो है ना रेडियस नहीं है ना, यहाँ पे 5 और 12 है ना, तो क्या अपन कह सकते हैं रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि 13 को तुम 5:12 में डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें वो लेंथ मिल जाएगा, C1M और C2M मिल जाएगा, फिर तुम वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, ये समझ में आया सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है। बोला है 2 circles with equal radii are intersecting at 0,1 and 0,-1. The tangent at the point 0,1 to one of the circle passing through the center of the other circle, वो तो करेगा, यानी कि ये बोल के क्या कहना चाह रहा है, क्या वो orthogonally intersect कर रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है? बताओ, अगर orthogonally intersect कर रहा था तभी तो दूसरे circle के center से pass कर रहा था ना। Yes sir। एक का tangent दूसरे के center से pass कर रहा था, बोला है then the distance between the center of these circles, इस लाइन से आपको तो पता चल गया होगा द टेंजेंट एट पॉइंट 0,1 टू वन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। इससे अपने को तो ये पता चल गया ना, ये जो सर्कल है क्या वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, बताइए।
पता चला? यस सर, पता चला। तो अब हमें बताना है इस सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये सी वन है, ये सी टू है, इसने बोला है जो ये किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 0.1 यहाँ पे है और ये आपका 0.-1 है, ठीक है। दोनों का रेडियस भी इक्वल है तो कर देते हैं रेडियस इक्वल। तो ये आपका आर वन है, ये आपका आर वन है, मतलब आर आर ही लिख लो, आर वन क्या लिखोगे। तो अब तुम्हें सी वन सी टू के बीच का डिस्टेंस बताना है, फटाफट सॉल्व कीजिए और बताइए। सी वाला क्या आ रहा है? 2√2। 2√2 आ रहा है, और किसी का? अगर अपन बात करें ये ए है ये बी है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? ए बी डिस्टेंस कितना होगा? 2 आ रहा है क्या? तो ए एम डिस्टेंस क्या होगा? क्या ए बी बाय 2 बोलोगे? तो ये 1 आ रहा होगा। नहीं, अगर ये आर है तो क्या ये तुम्हारा आइसोसेलस ट्रायंगल है क्या भाई? क्या श्वेतांक? हाँ सर, आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो ये आर है, ये आर है, और तुम्हें पता है ये ए एम है, और तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो क्या ये 45 होगा? क्योंकि एक तो 90 है, तो इसको 45 होना पड़ेगा। बी आ रहा है। अच्छा, बी आ रहा है। सही आ रहा है, तो टैन इस्तेमाल कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये वाला तुम्हारा 1 है और ये तुम्हारा सी वन है, ये सी टू है, तो ये डिस्टेंस भी तुम्हारा इक्वल है ना, सी वन एम और सी टू एम, ये भी इक्वल है, ऐसा कह सकते हो? यस सर। या फिर ये ना भी निकाले तो क्या दिक्कत है हमें ना? अगर कोई बच्चा बोलेगा सर हम ये कैसे बताएं, क्योंकि यहाँ पे रेडियस एक्चुअल में इक्वल है इसलिए हम बता पा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो ये ना करके भी रेडियस अगर तुम फाइंड करोगे तो तुम एक काम तो कह ही सकते हो ना, अगर हमें सी वन सी टू स्क्वायर चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए सी वन स्क्वायर प्लस ए सी टू स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ? यानी कि क्या ये आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा? यानी कि आप बोल सकते हो 2r² ऐसा। और इस वाले ट्रेंगल में देख पा रहे होगे जो तुम्हें क्या 10 45 इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो जो ए एम अपॉन आर, ऐसा बोल सकते हो। और ए एम का वैल्यू 1 है और ये r, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 1 आया। तो क्या तुम यहाँ बताओगे जो ये कितना आ जाएगा 2 सी वन सी टू स्क्वायर, ऐसा लिख दे? हेलो। यस सर। यस सर। चलेगा। तो यहां से ए एम आपका आ गया किसके इक्वल? 1 के इक्वल, 1/r, ये r इक्वल्स टू तुम्हारा 1 आ गया। तब तो ये सी वन सी टू तुम्हारा √2 आ रहा है ना सर। 10 45 एम बाय आर कैसे आया? अरे यार, एम बाय सी वन सर साइन 45 लगा के हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए ना, तो यहाँ पे साइन 45 होगा, तो ये एम अपॉन आर होगा। तो ए एम का वैल्यू 1 है और यहाँ पे आर है, और इसका वैल्यू कितना होगा 1/√2, तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √2। तो अगर आर इक्वल्स टू √2 आ गया तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, यानी कि ये तुम्हारा 4 आ गया। तो आप क्या बोल सकते हो सी वन सी टू किसके इक्वल? 2 के इक्वल होगा, चलेगा? यस सर। हाँ, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन देख पा रहे हो तुम ज्योमेट्री से ही तो सॉल्व हो रहा है एक तरह से। नहीं, सब कुछ पता है, प्रॉपर्टी पता है क्या हो रहा है, और थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा रहे हैं बस, सब जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आया नहीं ये वाला क्वेश्चन?
बताओ. यस सर. यस सर. यस सर. ये हो चुका है, ये भी हो गया. इसको करो तो अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या फॉर्मूला पड़े? 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू क्या होगा? c1 प्लस c2. लगा डालो कंडीशन ये. तो पहले वाले सर्कल के लिए g1 कितना लिखोगे? 1. f1 क्या होगा? k. और c1 क्या है आपका? 6. और दूसरे वाले सर्कल के लिए g2 क्या होगा? 0 है. और f2 क्या है आपका? k है. और c2 क्या है आपका? k है. क्या लगा दे कंडीशन? तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, -3/2. अच्छा, 2k² आ गया. और यहाँ पे क्या लिखोगे? 6+k, यानी कि 2k²-k-6=0. तो क्या इसको लिख सकते हो? -4k+3k-6=0. 2k अगर कॉमन लोगे तो k-2, प्लस 3 कॉमन लोगे तो k-2=0. ये आ गया 2k+3 k-2=0. k का वैल्यू क्या आएगा? -3/2. और k=2 क्या होगा? 2 होगा. क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? यस सर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. इसको कीजिए. तो थ्योरी देखो, बस उतना ही सही था. एक ज्योमेट्री याद रखना है किस टाइप का शेप बनता है ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट करता है. तो अपन कह सकते हैं r1² + r2² = c1 + c2² और दूसरा 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2. इतना ही याद रखना है और ये सब क्वेश्चन है उसको करना है. ए सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, एंड हैज इट सेंटर ऑन द लाइन y=x. If the circle cut itna orthogonally, then the equation of, then its equation is. हाँ, स्त्री क्या लिखना चाह रहे हो? पढ़ाओगी? तो अगर सेंटर जो है y=x पे लाई कर रहा है, अगर y=x पे लाई कर रहा है तो आप क्या कह सकते हो? बिल्कुल. यानी कि -g, -f दोनों सेम होगा तो इसको -g लिख दें, चलेगा? यही बोलोगे ना? यस, यही बोलोगे, क्योंकि y=x से पास कर रहा है. ये जो है y=x लाइन से. ये सबको समझ में आया ना यार? यस सर. हाँ, तो अब जो अगर उस सर्कल का, इस सर्कल का इक्वेशन तुम लिखना चाहोगे, क्या लिखोगे? x²+y²+2gx+2gy लिखोगे. और साथ में बोल रहा है ये सर्कल तुम्हारा 0,0 से ही पास कर रहा है, तो क्या c वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा? ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर, ऐसा लिख सकते हैं. बिल्कुल. और दूसरे सर्कल का इक्वेशन हमें दे रखा है. दूसरे सर्कल का इक्वेशन क्या है? x²+y²-4x-6y+10=0. क्या कंडीशन लगा दे यहाँ पे? 2g1g2+2f1f2=c1+c2. लगा दो कंडीशन. तो क्या आ जाएगा? 2 × g, और इसका वैल्यू कितना बता दोगे? g2 का -2 होगा. और 2 × g f2 का क्या बताओगे? -3 = क्या लिख दोगे? 10. तो यहाँ से कितना आ गया? -4, यानी कि -2g = कितना? 10. तो g = कितना आ गया आपका सर? -10g आएगा. अच्छा, -10g आएगा ना. हाँ, तो g = कितना आ गया आपका? -1 आएगा.
ऐसा तो अगर माइनस वन आए तो क्या इसमें फिट कर दें, आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका बताओ? डी सही है। यस सर। क्या हो गया? इजिली सिंपल है ना, आपने क्या क्या यूज किया, एक बोला जो y इक्वल्स टू x लाइन पे लाई कर रहा है, तो यानी कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया। दूसरा बोला जो अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म जीरो होगा, तो आपने सर्कल का इक्वेशन लिख लिया। अब बोला जो ये सर्कल दूसरे सर्कल को अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो कंडीशन क्या लिख दें, टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू, लगा दिया, आ गया आंसर खत्म। टफ था क्या है? बताओ, नहीं ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। तो बोला इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी एंड कट द सर्कल इतना ऑर्थोगोनली देन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज। कैसे करोगे? क्या क्या बोला है वो देख लो पहले। तो अगर रफ इसके ड्रॉ करोगे तो क्या बोलोगे, एक सर्कल है ये वाला, दूसरा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है, ओरिजिन है, ठीक है, और ये सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, और पहला वाला सर्कल जो है वो बोल रखा है ए कॉमा बी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसके सर्कल के सेंटर का आपको क्या करना है, लोकस बताना है। तो इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग लेट कर लें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अगर तुम इसके सेंटर को एच कॉमा के बोलोगे, क्योंकि तुम समझदार हो तो मैं थोड़ा सा चेंज तो कर ही सकता हूँ, एच कॉमा के बोलोगे तो यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिख दोगे, क्या माइनस टू एच एक्स लिख सकते हो और माइनस टू के वाई लिख सकते हो क्या, प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इसी का लोकस फाइंड करना है ना, सेंटर का लोकस फाइंड करना है। क्या ये सबको क्लियर है? बताओ। अरे ऐसा बोलोगे? यस सर। ऐसा बोलोगे। और इस सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, ऐसा ठीक है भाई। तो अब मुझे ये बताओ, जो अगर ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा तो कंडीशन क्या लिखते हो आप, टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल्स टू, क्या ये C1 प्लस C2 वाला कंडीशन लगाओगे? अगर ये कंडीशन लगाओगे तो क्या आ जाएगा? पहला वाला देखो तो, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, पहले वाले का G1 G2 G1 और F1 क्या हो जाएगा, जीरो होगा, इधर C1 के प्लेस पे क्या लिखोगे, क्या माइनस के स्क्वायर, और C2 के प्लेस पे क्या लिखोगे, अच्छा के स्क्वायर पहले से ले रखा है भाई, के तो नहीं ले सकते ना, समझ में आई बात है सर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा इसका सेंटर का आप चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि के पहले से यूज हो रखा है ना, समझ रहे हो? यस। तो माइनस जी माइनस एफ ही रख लेते हैं, बाद में अगर लोकस हमें फाइंड करना है तो क्या माइनस जी को अपन किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स से, और माइनस एफ को किससे रिप्लेस करेंगे, y से, यही करेंगे ना? यस। तो प्लस टू जी प्लस टू एफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे k पहले से दे रखा है ना, इसीलिए k नहीं लेट कर सकते हैं। तो आप सोचो माइनस के स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, c, तो तुम्हें क्या यहाँ पे c इक्वल्स टू के स्क्वायर मिला, ऐसा, तो वापस से इस
इक्वेशन में, सर्कल के इक्वेशन में हमने लिख दिया c के प्लेस पे k स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। क्या यहां तक सबको क्लियर है? हाँ ना बोलो। यस सर। चलेगा। अब सोचो हमें क्या करना है, हमें f और g में रिलेशन लाना है ना, क्योंकि लोकस अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो f और g में रिलेशन लाएंगे। तो यहाँ पे जो x है ये y है, इसको हटाना पड़ेगा। क्या एक बात बोल सकते हो यार, ये सर्कल जो है क्या ये a कोमा b से पास कर रहा है, तो क्या a कोमा b को सेटिस्फाई करेगा? क्या a कोमा b को सेटिस्फाई करेगा? तो क्या तुम लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब जब लोकस तुम्हें फाइंड करना है तो क्या अब क्या बोलोगे, g को किससे रिप्लेस करना चाहिए? यहां पे देखो g को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस x से, और f को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस y से, ऐसा बोलोगे। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। क्या ऐसा आएगा बताइए, लिखोगे ऐसा? यस। तो ये आ गया तुम्हारा टू ए एक्स प्लस टू बी वाई माइनस, अगर कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, पहला? नहीं, पहला ऑप्शन मिला आपको? सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि एक सेंटर हम लोग लेट कर ले जिस सर्कल का हम लोग को निकालना है, और उसका रेडियस निकाल ले, और दूसरे का रेडियस हम लोग को मालूम के है, फिर सी वन सी टू भी आराम से निकल जाएगा क्योंकि एक तरफ ओरिजिन होगा, और फिर जो सेंटर लेट किया है उसको एक्स और वाई से रिप्लेस करने से दो लाइन में आ जाएगा फिर। बहुत बढ़िया। तो चलो ये जो बताया है ये अपना मेथड टू है, ठीक है ना? तो इसको भी देख लेते हैं भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है जो एक सर्कल ये है आपका, जिस सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है उसको तुम बोल दो कुछ भी रख लो, अल्फा कोमा बीटा बोल देते हैं, इसी का लोकस चाहिए ना। और अपने को एक चीज तो दे रखा है, जो ये सर्कल जो है पास कर रहा है ए कॉमा बी से पास कर रहा है, ठीक है। अगर दूसरे सर्कल को ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो, यही है। दूसरे सर्कल को अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है, जीरो कॉमा जीरो, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस के इक्वल है, चलेगा ऐसा है। तो एक बात बताओ आप, अगर तुम्हें इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना, इस सर्कल का अगर इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, या फिर इस सर्कल का रेडियस बताओ क्या लिख सकते हो। इस सर्कल का रेडियस क्या अपन लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं रेडियस? यस सर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर सोचो इसका सेंटर सी वन है और इसका सेंटर सी टू है, तो एक बात तो तुम बोल सकते हो, जो इसका रेडियस अगर आर वन लिखे हो और इसका रेडियस अगर आर टू है, और यहाँ पे अगर ये वाला सर्कल जो है, इस लाइन को हटा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म कर रहा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, जो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन सी टू स्क्वायर, और आर वन स्क्वायर आपको पता है क्या लिखोगे, अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, ऐसा। अब इसी में अल्फा और बीटा को क्या अपन रिप्लेस कर सकते हैं एक्स और वाई से, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी बीटा प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
ऐसा बोलोगे आप, तो ये वाला कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहां से तुम्हारा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए अल्फा प्लस टू बी बीटा। तो जिसका लोकस फाइंड कर रहे थे, यानी कि अल्फा को रिप्लेस कर दोगे x से और बीटा को रिप्लेस कर दोगे y से, तो क्या ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा अपने को जो आंसर आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एक्स प्लस टू बी वाई। क्लियर है सबको? यस सर। ये ज्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। तो ये जे एडवांस का है, मोर देन वन करेक्ट है, सबका सही होना चाहिए। बोला ए सर्कल एस पासेस थ्रू द पॉइंट 0.1 एंड इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल दिस एंड दिस। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर। हो गया, चलो सार्थक। यस सर, सर कर रहा हूँ। कैसे करना है थोड़ा मुझे भी बता दो। यस सर, सर सबसे पहले तो मैंने ये जो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा है उसको पहले मैंने एक्सपैंड कर दिया है और मान लिया है कोई जो इक्वेशन हमको दिया गया है जो पास किया है 0.1 से, मतलब उसका इक्वेशन हमने मान लिया है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2my प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे कि क्योंकि ये 0.1 से पास कर रहा है, ये इससे एक इक्वेशन बन जाएगी और फिर उसके बाद सर और ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा देंगे। बिल्कुल सही, सबको समझ में आया क्या बोला ये? ये बोला बी एंड सी। अच्छा बी एंड सी। तो इस सर्कल का इक्वेशन आप लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, ठीक है ना? एक सेकंड लिखने में, टू जी एक्स हो गया टू एफ वाई तो s का आपने इक्वेशन लेट कर लिया जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। एक मिनट रुकना, सब सॉल्व करो तो इसको, ठीक है?
जैसे इसने बताया वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो एस का इक्वेशन अगर आप लेट करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि रिक्वायर्ड सर्कल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, अब ये सर्कल अगर 0.1 से पास कर रहा है, और चलो एस वन अपन क्या बोल सकते हैं, इस वाले सर्कल को एक्सपेंड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, और यहाँ पे प्लस वन लिखोगे तो इधर लॉगे माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो ऐसा लिखोगे, यानी कि एस वन जो आएगा क्या वो अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो होगा, और एस टू जो है वो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। क्या ये सबको क्लियर है? अब जो है एस जो है क्या वो ऑर्थोगोनल दोनों सर्कल पे है क्या, बताओ एस जो है क्या वो ऑर्थोगोनल है दोनों सर्कल पे, तो क्या दोनों सर्कल के साथ जो कंडीशन लिखोगे, क्या कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या होगा, टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू, ये वाला कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या टू जी, और इस वाले में जी वन क्या है माइनस वन प्लस जीरो, और सी वन के प्लस पे सी और माइनस फिफ्टीन, ऐसा होगा। तो एक इक्वेशन आपको मिला टू जी इक्वल्स टू सी माइनस फिफ्टीन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन मिला ऐसा। सेकंड क्या बोल सकते हो, ये आपने एस वन एस एंड एस वन को ले लिया ना ऐसा, अगर एस एंड एस टू के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, टू जी वन जी टू के बारे में क्या लिखोगे, ये टू इंटू जी प्लस इंटू जीरो प्लस टू इंटू एफ इंटू जीरो, और सी वन यानी कि सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन, तो क्या यहाँ से सी का वैल्यू आपको मिला वन। अगर सी का वैल्यू वन मिला तो क्या ये वन माइनस फिफ्टीन, क्या ये तुम्हारा माइनस फोर्टीन होगा, और जी का वैल्यू कितना आ जाएगा सेवन आएगा, बताओ ऐसा बोल देंगे। अब सोचो उस इक्वेशन के पास आ जाते हैं एस जो है, अब वो क्या लिख दोगे आप, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी, यानी कि क्या ये प्लस फोर्टी, अच्छा सही है, टू एफ वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो ऐसा लिखोगे। अब इसने बोला है जो पास कर रहा है किससे, ये जो है क्या ये 0.1 से पास कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या ये 0 प्लस 1 प्लस 2f प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से f इक्वल्स टू कितना बताओगे, क्या माइनस 1 बताओगे, तो s का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, देखो तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 2y प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब जो भी इसके बारे में पूछा जाएगा वो तो अपन बता सकते हैं, सेंटर क्या माइनस 7.1 होगा, और रेडियस आप क्या बोल सकते हो, क्या ये 7 यानी कि 49 प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 7 होगा, आप बताओ क्या ये बी और सी आंसर सही होगा, ऐसा होगा क्या बताइए, यही आएगा, क्लियर है सबको। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रेडिकल एक्सिस के बारे में, बहुत सिंपल है, अच्छा है, अच्छे समझना है। रेडिकल एक्सिस कहता है जो ऐसे पॉइंट का लोकस हम बताएंगे, ठीक है ना, दो सर्कल है तो दो सर्कल में ही रेडिकल एक्सिस आएगा, तो हम लोग ऐसे सर्कल के बारे में ऐसे पॉइंट का लोकस बताते हैं जहां से अगर दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आना चाहिए। अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात किया जाए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप क्या लिखते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता था भाई, फॉर्मूला रूट एस वन के इक्वल होता था, यही होता था। तो सोचो एक सर्कल ये है दूसरा सर्कल ये है, एक सर्कल का इक्वेशन मान के चलो तुमने लिख दिया, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो है, और दूसरे सर्कल का तुमने लिख दिया जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई
प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। अगर तुम इस वाले सर्कल को, अपन सर्कल के इक्वेशन को एस से बोल लिखते थे, याद है, और यहाँ पे दो आ चुका है, चलो दोनों इसको अपन लोग एस डैस बोल देते हैं। अब सोचो ऐसे पॉइंट का लोकस बता रहे हो जहां से अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। तो क्या अपन लिख सकते हैं, ये रूट एस वन आ जाएगा, यानी कि इसमें एच कॉमा के रख दोगे, ऐसा ही करोगे ना, और इसमें क्या करोगे, क्या ये एस डैश में एच कॉमा के रखोगे क्या, बताओ भाई ऐसा होगा? Yes, sir. क्या तुम यहां से बोलोगे जो पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा तो अपन क्या करेंगे, बोलेंगे भाई स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, क्या इधर एक सर्कल आएगा जिसमें तुमने एच कॉमा के रखा, और इधर एक सर्कल आएगा जिसमें तुम एक्स के प्लेस पे एच कॉमा के रखे। अगर हमें इसका लोकस बताना है तो क्या आपको दिख रहा है जो पूरा इक्वेशन जो है वो एच के में आ जाएगा, बताओ ऐसा होगा? Yes. ऐसा होगा। अगर ये ऐसा आया तो फिर आप कह सकते हो यार लेफ्ट साइड में भी एच के होगा, राइट साइड में भी एच स्क्वायर के स्क्वायर होगा, तो क्या वो कैंसिल होके एच के में क्या एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, बताओ ऐसा लग रहा है? चलो लिख ही लो, क्या ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी वन एच प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन, और इधर क्या हो जाएगा, क्या ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी टू एच प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू, ऐसा होगा? अब देखो तो यहाँ से एच के आप बोलोगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को कट कर दो, कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या आपको दिख रहा है जो यहाँ पे एच के में एक लीनियर इक्वेशन आ गया, और आप बोल दोगे सर यहाँ पे एच के साथ क्या आ जाएगा, टू एच के साथ क्या यहाँ पे जी वन माइनस जी टू आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बोलोगे, और टू अच्छा यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, और टू के साथ क्या आ जाएगा बताओ, बोल लो भाई क्या आएगा, एफ वन माइनस एफ टू, एफ वन माइनस एफ टू, और साथ में कांस्टेंट आ गया सी वन माइनस सी टू इक्वल्स टू जीरो। तो अब लोकस पूछेगा तो तुम क्या लिखोगे, h को रिप्लेस कर दो तो क्या ये 2x g1 minus g2 और 2y f1 minus f2 plus c1 minus c2 equals to 0 बता दोगे। ये जो आया है वो किस लाइन का इक्वेशन आया है, वो इस लाइन का इक्वेशन आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। बात समझ में आई, इसको आप क्या बोलोगे, रेडिकल एक्सिस बोलोगे। तो अब हम लोग जो रेडिकल एक्सिस का फायदा उठाएंगे, देखो क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें याद कर लेना है जो रेडिकल एक्सिस क्या है भाई। तो ये तो पता चल गया ना, रेडिकल एक्सिस क्या है, ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें, तो क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगा, ऐसा है क्या? Yes, sir. ऐसा है। तो इस एक्सिस का, यानी कि इसका जो नाम आपने बोला है रेडिकल एक्सिस, इस रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन होगा, अगर इस सर्कल का इक्वेशन s इक्वल्स टू जीरो है और इस सर्कल का इक्वेशन अगर h डैश इक्वल्स टू जीरो है, तो रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन होगा क्या होगा, वो s माइनस h डैश इक्वल्स टू जीरो। समझ में आई बात है? Yes, sir. हाँ, तो यही लिखा है, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्कल इज इक्वल, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये एस है और ये एस डैश है तो दोनों इक्वल आएगा, और दोनों इक्वल किए तभी तो तुमने ऐसे लिख दिया, बोथ साइड स्क्वायर करो तो आ गया एस इक्वल्स टू एस डैश, तो लाइन है एक्चुअल में रेडिकल एक्सिस, ये आ गया जीरो, ये आपका रेडिकल एक्सिस आ गया, खत्म। अब सोचो इसका फायदा हम लोग क्या क्या उठा सकते हैं। अब जो तुम बात करोगे, क्या इसको तुम कॉमन कॉर्ड बोल सकते हो क्या, बताओ क्या ये कॉमन कॉर्ड आएगा, दो सर्कल है, अगर इस सर्कल का ये जो s इक्वल्स टू जीरो है और ये सर्कल तुम्हारा h डैश इक्वल्स टू जीरो है,
ये जो कॉमन कॉर्ड है, इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, यही तुम्हारा रेडिकल एक्सिस भी है, समझे क्या? Yes. और रेडिकल एक्सिस है तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, एस माइनस एच डैस इक्वल टू जीरो। तो क्या तुम्हें कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिला, एस माइनस एच डैस इक्वल टू जीरो। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा, तो ये हमने फायदा उठा लिया यहाँ पे, जब भी कॉमन कॉर्ड के बारे में बातें हो तो हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस एच डैस इक्वल टू जीरो, यानी कि रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड सेम आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, जो इसने बोला है जो इफ टू सर्कल टच इच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली देन द कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, एंड रेडिकल एक्सिस आर आइडेंटिकल। अब देखो भाई, अगला फायदा हम लोग क्या उठा रहे हैं, जो अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो क्या ये जो है इसको कौन सा टेंजेंट बोलोगे, क्या ये कॉमन टेंजेंट है क्या, ये वाला बताओ। यस, कॉमन टेंजेंट है। अगर इस सर्कल का इक्वेशन एस इक्वल टू जीरो है और इस सर्कल का इक्वेशन एच डैश इक्वल टू जीरो है, तो इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एस माइनस एच डैश इक्वल टू जीरो, यानी कि रेडिकल एक्सिस का भी इक्वेशन यही आता क्या? और क्या यही कह सकते हो जो रेडिकल एक्सिस और ये कॉमन टेंजेंट सेम है भाई? बातें समझ में आई? यस। हाँ, ये तो था एक्सटर्नली अगर टच कर रहा है एक दूसरे को तब, ठीक है ना। अगर इंटरनली टच कर रहा होगा तो क्या हो सकता है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये तुम्हारा इसके अंदर है छोटू सर्कल, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्या यहाँ पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, क्या क्या ये कॉमन टेंजेंट होगा? ये आपका आ गया कॉमन टेंजेंट। तो इस कॉमन टेंजेंट का भी इक्वेशन हम लोग बता सकते हैं, ये भी आपका क्या होगा, रेडिकल एक्सिस होगा। तो अगर ये भी रेडिकल एक्सिस है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या एस माइनस एच डैश इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं? अगर मान चलो ये एस इक्वल टू जीरो है, ये तुम्हारा एच डैश इक्वल टू जीरो है, तो क्या फायदा उठा पाए आप, बताइए, चलेगा जी? हेलो। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले में बोला है जो द रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन विच जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सोचो, क्या है यहाँ पे, क्या बोलना चाह रहा है, एक सर्कल ये है तुम्हारा, ठीक है, इसका सेंटर सोचो तुम्हारा C1 है और दूसरा सर्कल ये है तुम्हारा, इसका सेंटर C2 है। अब बोल रहा है जो रेडिकल एक्सिस जो आएगा, वो रेडिकल एक्सिस क्या होता है, रेडिकल एक्सिस जो ये जो सेंटर को तुम मिला रहे हो ना, इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिख दें एस इक्वल्स टू जीरो और इस सर्कल का इक्वेशन अगर लिख दें एच डैश इक्वल्स टू जीरो, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखोगे, क्या ये एस माइनस एच डैश इक्वल्स टू जीरो होगा, क्या ऐसा होगा? और अभी तो तुमने लिखा भी था जो ये किसके इक्वल आ रहा था, अगर तुम्हें याद होगा तो 2y, क्या ये f1 माइनस f2 और 2x g1 माइनस g2 प्लस क्या ये c1 माइनस c2 आया था, बताओ, रेडिकल एक्सिस पहले पेज पे? यस सर, ऐसा लिखे थे। अब सोचो अगर इसका सेंटर c1 है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, क्या ये माइनस g1 कॉमा माइनस f1 बोल सकते हो, और इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हो, क्या ये माइनस g2 कॉमा माइनस f2 बोल सकते हो, ऐसा। ये हमें प्रॉपर्टी याद रखना है, लेकिन अगर तुम देखना भी चाहोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा, जो अगर हम c1 c2 का स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ c1 c2, तो c1 c2 का स्लोप क्या बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, जो f2 माइनस f1 अपॉन g2 माइनस g1, ऐसा लिख सकते हो।
और इस लाइन का स्लोप क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई बोलोगे? अरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप यही से निकालते हैं। yes, तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स करोगे तो यानी कि क्या ये तुम्हारा जी टू, चलो रहने दो चाहे तो तुम माइनस बाहर ही रहने देते हैं, तो मैं ऐसे डायरेक्ट दिख जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो माइनस क्या ये जी टू माइनस जी वन, चलो और यहाँ पे क्या अपन एफ टू माइनस एफ वन लिख सकते हैं? अगर इसको हमने बोला जो एम वन है और ये एम टू है तो क्या दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या माइनस वन आ रहा है? बताओ आ रहा है क्या? अगर ये आपका m है तो तुम्हें दिख रहा है जो m इंटू स्लोप ऑफ c1 c2 क्या माइनस वन के इक्वल आ रहा है? बताओ ऐसा है, यानी कह सकते हैं जो रेडिकल एक्सिस जो है क्या वो c1 c2 लाइन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? सर वो माइनस जी टू माइनस जी वन क्यों लिखा, मतलब सर वो जी वन माइनस जी टू होगा ना, माइनस बाहर होगा तो होगा। तो नीचे में भी कर लो, एक माइनस कॉमन ले लो, गायब कर दें दोनों को, चलेगा आप? ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। बोला रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। तो इस वाले को क्या तुम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोले थे? ये जो है क्या ये तुम्हारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है क्या? यस 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 सर। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का प्रॉपर्टी क्या होता था, जो उस कॉमन टेंजेंट के रिस्पेक्ट में दोनों सेंटर जो है वो सेम साइड लाई करें। अगर सेम साइड लाई करता था तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते थे। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, सेंटर जो है वो अपोजिट साइड लाई करता है। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो बोल रहा है जो रेडिकल एक्सिस जो है, यानी कि रेडिकल एक्सिस क्या कर रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बायसेक्ट कर रहा है। अगर इसका इक्वेशन s इक्वल्स टू जीरो है और ये तुम्हारा h डैश इक्वल्स टू जीरो है तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आप क्या बोल दोगे, s माइनस h डैश इक्वल्स टू जीरो। तो अगर s माइनस h डैश इक्वल्स टू जीरो है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को क्या करता है, बायसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होगा लेकिन याद रखो, ठीक है। चलो बोल रहा है जो ओनली कॉन्करेंट सर्कल, ठीक है ना, डू नॉट हैव ए रेडिकल एक्सिस। कहने का मतलब अगर कॉन्सेंट्रिक हो, अगर कॉन्सेंट्रिक होगा तो क्या तुम्हें लग रहा है जो रेडिकल एक्सिस पॉसिबल होगा? एक सर्कल ये है s इक्वल्स टू जीरो और दूसरा सर्कल ये है, मतलब चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एस डैश इक्वल्स टू जीरो। क्या यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जो दोनों पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आना चाहिए ऐसे पॉइंट का लोकस? बताओ नहीं कर सकते तो यानी कि इसमें रेडिकल एक्सिस पॉसिबल नहीं है, वही लिखा है तो नो रेडिकल एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला है इफ टू सर्कल कट ए थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल विल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल। इसने क्या बोला है, ये भी प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो। सोचो दो सर्कल है, एक सर्कल तुम्हारा एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल आपका ये है, ठीक है, काफी दूर बन गया है, थोड़ा पास लाते हैं नहीं तो थर्ड सर्कल बनाने में दिक्कतें होंगी। एक सर्कल ये है तुम्हारा, ठीक है ना, इसका सेंटर C1 ये C2। अब थर्ड सर्कल जो है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। थर्ड सर्कल बना लो कुछ ऐसे, ये तुम्हारा C3 है। ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, जो ये C1 C2 का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो रेडिकल एक्सिस क्या आएगा बताओ, क्या ये वाला रेडिकल एक्सिस होगा क्या? C1 C2 का रेडिकल एक्सिस ये वाला होगा,
तो ये जो रेडिकल एक्सिस आ रहा है, इस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आप क्या लिखोगे? अगर मैं इसको लिख दूं S1 equals to 0 और इसका है S2 equals to 0 और ये तुम्हारा S3 equals to 0, तो C1 C2 का मतलब ये जो दोनों सर्कल है इसका रेडिकल एक्सिस लिख सकते हो S1 minus S2 equals to 0, ऐसा लिखोगे? बताओ। अब ये जो थर्ड सर्कल है वो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बोल रहा है जो ये जो दो सर्कल है इन दोनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस है वो पास कर रहा होगा किसके? थर्ड सर्कल के सेंटर से। समझ में आ रही बात है? हाँ सर। हाँ, इसके सेंटर से पास कर रहा होगा, तो आप याद रख सकते हो, बाकी बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होगा इसका भी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। बोला है लेट द सर्कल इतना एंड इतना इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड क्यू, टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल एस एट ए पॉइंट पी एंड क्यू, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट इज, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना तो आपको मतलब इजिली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। क्या है, कहा क्या है, क्या उसके बेसिस पे हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्कल ये है, एक और सर्कल है, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पे। थोड़ा अच्छे से सोचना, अगर पी क्यू पे इंटर कर रहा है, इसको बोला है जो ये एस इक्वल्स टू जीरो है और ये तुम्हारा एस डैश इक्वल्स टू जीरो है, तो सबसे पहले सोचो क्या पी क्यू लाइन का इक्वेशन आप बता सकते हो क्या? ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका इक्वेशन बता सकते हो क्या होगा? क्या ये रेडिकल एक्सिस है तुम्हारा? क्या ये तुम्हारा कॉमन कॉर्ड है? इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ भाई? क्या s माइनस s डैश इक्वल्स टू जीरो होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस ऐसा बोलोगे, चलेगा। अब बोला है जो आप क्या कर रहे हो, क्या बोले? हेलो, बोला टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल एस, यानी कि पहला वाला सर्कल जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। बोला टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल एस एट पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा टेंजेंट का वो आपको फाइंड करना है। कैसे करें बताओ? क्या यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट ये वाला आएगा, एक टेंजेंट ये वाला आएगा, तो इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है ना। मान चलो ये आर है तो ये तुमसे अल्फा कॉमा बीटा पूछा है, जो ये क्या होगा? क्या ये सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस। चलो अब बताएगा कौन से सात्विक, तुम बताओ कैसे सॉल्व करें इसको। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पी और क्यू नहीं फाइंड करना चाह रहा हूं। अब बताओ कैसे करें, हमें आर चाहिए। क्या आर के रिस्पेक्ट में तुम इस कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हो क्या? क्या आर के रिस्पेक्ट में ये जो पी क्यू है क्या ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा क्या? Yes, sir. तो अगर R के रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या लिखते हो? T इक्वल्स टू जीरो लिखते हो? Yes, sir. T इक्वल्स टू जीरो लिखते हो, तो अगर T इक्वल्स टू जीरो लिखोगे R के रिस्पेक्ट में तो ये क्या कहलाएगा? क्या ये X इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू बीटा माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो होगा? बताइए। ऐसा आएगा क्या? ऐसा आएगा, ठीक है। अब सोचो ये हमने लिख दिया, क्या ये एपी लाइन ही है और एपी लाइन सॉरी पी क्यू लाइन है और पी क्यू लाइन का इक्वेशन क्या कॉमन कॉर्ड के हेल्प से लिखोगे? तो कॉमन कॉर्ड के हेल्प से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो।
ये जो है यही तुम्हारा रेडिकल एक्सिस है, यही तुम्हारा कॉमन कॉर्ड है, और यही तुम्हारा क्या है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, यही है। तो अब सोचो अगर तुम्हें रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिख सकते हो, क्या ये एस माइनस एच डैश इक्वल्स टू जीरो, तो एस माइनस एच डैश इक्वल्स टू जीरो करोगे तो क्या ये माइनस 12 प्लस 5 एक्स माइनस 3 वाई प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो क्या तुम बोल सकते हो जो 5 एक्स माइनस 3 वाई प्लस माइनस 10 माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो, ऐसा आएगा क्या बताओ? यस सर। और यही तुम्हारा रेडिकल एक्सिस, कॉमन कॉर्ड और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो क्या हमें इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेना चाहिए और वहां से अल्फा बीटा मिल जाएगा? जब भाई दोनों लाइन सेम ही है, क्या ये दोनों लाइन सेम लाइन नहीं है? ए आ रहा है। तो अगर सेम लाइन है तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो अल्फा अपॉन 5 इक्वल्स टू बीटा अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन माइनस 10। यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, क्या 12 इंटू 5 अपॉन 10, और बीटा क्या आ जाएगा आपका 12 इंटू 3 अपॉन 10, ऐसा होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो तुम्हारा ये 2 आया, यानी कि 6 और माइनस 18 अपॉन 5, क्या ए आ रहा है आंसर? बताओ क्लियर सबको, बोलो yes. भाई ये तुम्हारा एस है और ये तुम्हारा एस डैश है, इसमें से माइनस कर दो। और सबको आ गया बताओ? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सॉल्व करो। तो If the line itna is the equation of the transverse common tangent, okay, to the circle itna and itna, then the value of theta. Transverse common tangent kya hota hai pata hai na? Jisme center kya ho, opposite side lie kar raha ho, yehi hota hai na? To pehla yes. circle jo hai aapka एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, दूसरा सर्कल एच डैश जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 रूट 3 एक्स माइनस 6 वाई प्लस 20 इक्वल्स टू जीरो। तो पहले सर्कल पे आप सेंटर का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, सी क्या आ जाएगा 0,0, और आर क्या होगा 2 होगा, इसमें सी डैश क्या आ जाएगा थ्री रूट थ्री आ रहा है। अच्छा आंसर आ गया, और इसका रेडियस क्या होगा भाई 9, यानी कि 27 प्लस 9, ठीक है ना, ऐसा आएगा। और माइनस कितना लिखोगे 20, क्लियर है सबको? बी आ रहा है, ये आ गया आपका 4, बी आ रहा है। यस अब एक चीज बताओ, तो क्या यहाँ पे C C डैश इक्वल्स टू क्या ये R प्लस R डैश है क्या?
ऐसा है क्या बताइए? यस तो अगर सी सी डैश फाइंड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि कितना आ जाएगा ये वाला तुम्हारा 27 प्लस 9 और ये क्या 2 प्लस 4, हाँ 6 के इक्वल आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा होता है? ऐसा कंडीशन आपने पढ़ा है? Yes, ये सर्कल और दूसरा सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा होगा। तो ये जो आपको बोला है ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या रेडिकल एक्सिस के इक्वल होगा? ऐसा बोलोगे? बताओ, अगर ये सर्कल तुम्हारा एस इक्वल्स टू जीरो है और ये तुम्हारा एस डैश इक्वल्स टू जीरो है, तो क्या इसी को रेडिकल एक्सिस में हमको हम लिख सकते हैं क्या एस माइनस एस डैश इक्वल्स टू जीरो? ऐसा बोल सकते हो आप? यस सर, ऐसा लिख सकते हो। तो अगर माइनस करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, यानी कि रेडिकल एक्सिस जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? क्या ये 6√3x प्लस 6y और इसको कितना लिख दोगे माइनस, इस वाले देखो माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो लिखोगे, इसको क्या लिख दोगे माइनस 20 इक्वल्स टू जीरो। तो आप माइनस जो कर रहे हो इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो होगा? ऐसा बताएं, क्लियर है सबको? हेलो, यस सर, हाँ जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। तो अब सोचो अगर हमें दिख रहा है तो यहाँ पे क्या कोफिशियंट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कोफिशियंट हम लोग क्यों कंपेयर करें? ऊपर वाले लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? इस वाले लाइन का जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? क्या माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बताओगे? क्या ये माइनस कॉट थीटा है? और इस वाले लाइन का स्लोप किसके इक्वल है? माइनस 6√3 अपॉन 6 के इक्वल है, ऐसा बोल सकते हो आप? तो क्या ये तुम्हारा माइनस रूट थ्री आया? क्या माइनस रूट थ्री तुम्हारा माइनस कॉट थीटा के इक्वल होगा? और यहाँ से क्या बोल सकते हो, क्या ये कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री बोल सकते हो? और थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाय 6 होगा क्या? बताइए, चलेगा जी? यस सर, चलेगा, खत्म, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसने बोला जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, क्या लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड कर सकते हो क्या? इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तो। क्या ये दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग होगा क्या? इंटरसेक्टिंग बताने के लिए आप क्या बोलते हो, जो C1 C2 किससे, अच्छा C1 C2 के साथ आप क्या लिखते हो अगर इंटरसेक्टिंग होता है तो क्या कंडीशन होता है बताओ? सर मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। बिल्कुल सही, यानी कि लेस देन R1 प्लस R2 बताते हो और ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 यही बताते हो ना। तो क्या यहाँ पे ऐसा है, देख लो तो, क्या ये इंटरसेक्टिंग है? एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। तो हमें कॉमन कॉर्ड का लेंथ बताना है। वैसे भी ऐसा करने की जरूरत क्या ही थी, जब हमें पता है भाई कॉमन कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है तो यानी कि कट तो कर ही रहा होगा। तो क्या यही कॉमन कॉर्ड आएगा ए बी, इसी का लेंथ आपको बताना है? कैसे बताएं? क्या मैं इस लाइन का इक्वेशन बता सकता हूं क्या? अगर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो और ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो, तो क्या इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आप क्या लिखोगे? अगर आपने इसको s लिख दिया और इसको s डैश बोल दिया तो क्या इस कॉमन कॉर्ड को अपन s माइनस s डैश जीरो लिख सकते हैं? यही तो रेडिकल एक्सिस भी है ना, रेडिकल एक्सिस है। तो अगर आप s माइनस s डैश इक्वल्स टू जीरो करोगे तो ये क्या आ रहा है, क्या ये 4x माइनस 3y
और माइनस यानी कि प्लस 10 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ऐसा लिखेंगे क्या? तो अगर ये आया ठीक है ना, माइनस उल्टा लिख दिए, माइनस 10 होगा, माइनस 10 होगा ना, इसमें से उसको माइनस कर रहे थे ना। तो अब सोचो, अब तुम्हें लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड करना है भाई, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे आएगा? क्या अवन इसको एम बोल सकते हैं क्या? अब सोचो इसका रेडियस तुम्हें पता है, अगर ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ए एम बता पाओगे? और इसका 0.0 है तो क्या हम लोग सी एम फाइंड कर सकते हैं क्या? क्या ये माइनस 10/5 यानी कि 2 के इक्वल होगा? अगर ये तुम्हें 2 पता है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 पता है तो क्या तुम ए एम बता सकते हो? ए एम क्या होगा? क्या 12-4 ऐसा लिखोगे? क्या ये तुम्हारा रूट 8 आएगा और इसको क्या 2√2 लिख सकते हो? और सोचो तो ए बी क्या है तुम्हारा, क्या ये 2 times AM होगा? अगर ये 2 times AM होगा तो क्या ये 4√2 के इक्वल होगा क्या? क्या ये सबको क्लियर है? सर सी एम बता दीजिए एक बार कैसे। सी एम ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन पता है और इस सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है लगाया क्या? हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। सबको क्लियर है? बोलो चलेगा जी? यस। इसको सॉल्व करो तो इसमें बोला जाए ए बी ग्रेटर देन जीरो, टू सर्कल पासेस थ्रू ए कॉमा बी एंड द टेथ टच द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल। क्या पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लो। अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा होता है तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है क्या? बताओ, अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है तो क्या उस सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा? ऐसा होगा। और बोला है जो रेडिकल एक्सिस का आपको इक्वेशन बताना है, बोला है टू सर्कल पासेस थ्रू द इतना, अगर दो सर्कल पास कर रहा है एक पॉइंट से तो यानी कि क्या वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या दोनों सर्कल का? इतना तो समझ आ रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के। तो दूसरा सर्कल मान लो कुछ ऐसा है, ज्यादा गंदा बन रहा है, ये सर्कल है ना, ऐसा करो पहले बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल बना लेते हैं, फिर ये बनाना छोटा वाला सर्कल। आंसर तो आ गया होगा बहुत होगा, क्या है आंसर? क्या ये क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कुछ ऐसा है? उसने ए और बी को ग्रेटर देन जीरो बोला, यानी कि फर्स्ट पार्ट में ही बनेगा, क्या ऐसा लिख सकते हो? और रेडिकल एक्सिस आपका क्या ये वाला हो जाएगा रेडिकल एक्सिस? बताओ भाई, ऐसा लिख दें तो बी आ रहा है यही, देख लेते हैं। अब सोचो अगर इसका रेडियस R2 होगा तो इसका सेंटर क्या होगा? क्या ये R2, R2 होगा? अगर इसका रेडियस R1 होगा तो क्या इसका सेंटर R1, R1 होगा? ये तो सबको समझ में आता होगा, ऐसा लिखें? बोलो
चलेगा yes. चलेगा। अब एक चीज और बताओ, अगर हम दोनों हम लोग इसको मिला दे इसके सेंटर को C2 और C1 के सेंटर को, तो स्लोप ऑफ C2 C1 किसके इक्वल आएगा? क्या ये R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1, क्या ये 1 के इक्वल आएगा? तो स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होगा? ये जो स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस है, क्या माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ C2 C1 होगा? क्या ये माइनस 1 के इक्वल होगा? और यही रेडिकल एक्सिस तो तुम्हारा किससे पास कर रहा है, ए कोमा बी से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या आएगा? स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो वाई माइनस बी और माइनस वन एक्स माइनस ए कहलाएगा। तो क्या तुम वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू, क्या ये तुम ए प्लस बी लिख सकते हो? बताओ चलेगा? हेलो यस यस क्लियर है? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो है इसने बोला द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल इतना आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख दोगे? एक लाइन में बताओ कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? रेडिकल एक्सिस आएगा? यस सर। तो कॉमन टेंजेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा भाई? रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं हम लोग? ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्या सेंटर हमें फाइंड करना आता है? सी वन, सी वन कितना है? जीरो कमा जीरो। आर वन कितना है? टू है। सी टू क्या है आपका? माइनस थ्री कमा माइनस फोर। और आर टू आपका क्या है? क्या लिखोगे? नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर, ऐसा लिखोगे क्या? और यहाँ से R2 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 7 आएगा। तो क्या तुम देख पा रहे हो जो C1 C2 equals to क्या आ रहा है तुम्हारा? C1 C2 कितना है? 5 है। क्या ये तुम्हारा R2 minus R1 के इक्वल आ रहा है? अगर ऐसा होता है तो क्या ये इंटरनली टच कर रहा होता है क्या सर्कल एक दूसरे को? बोलो सर। हाँ जी सी आ रहा है, आ रहा है, शायद आ रहा होगा, सही आ रहा होगा। तो क्या ये कुछ इस टाइप का है? क्या ये रेडिकल एक्सिस और कॉमन टेंजेंट जो होगा वो सेम होगा? और इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हो? क्या ये एस माइनस एल डैश इक्वल्स टू जीरो बोल सकते हो? तो अब देखो, तो अगर हमें कॉमन टेंजेंट के बारे में बताना हो तो कॉमन टेंजेंट अपन बता सकते हैं? कॉमन टेंजेंट बता दो किसके इक्वल हो जाएगा? क्या तुम लिखोगे सिक्स एक्स प्लस एट वाई और यहाँ पे माइनस ट्वेंटी फोर है, इधर माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो ऐसा लिखा जाए, यानी कि थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू कितना लिखोगे? टेन। तो अब तो तुम पॉइंट सेटिस्फाई कर रख के देख सकते हो भाई कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तुम्हारा कौन सा आया भाई? सी आ रहा है नहीं? तो सी सही आंसर आ रहा है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कर तो सकते ही हो ना? नहीं कर सकते क्या? Yes, sir. कर सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, रेडिकल सेंटर क्या होता है। अभी कितना बचा है? अभी बचा है, बीच में ब्रेक ले लेंगे हम लोग। हाँ सर। हाँ ये लास्ट करके आइए, उसके बाद बता दो रेडिकल सेंटर क्या होता है। जैसे रेडिकल एक्सिस आएगा, यानी कि दो सर्कल को अगर तुम देखोगे तो दो सर्कल से क्या एक रेडिकल एक्सिस आएगा? अगर हम एस और एस डैस के बारे में बात करें तो इस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या बोलोगे? क्या ये एस माइनस एस डैस इक्वल्स टू जीरो बोलोगे? इस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या बोलोगे? क्या ये एस माइनस एस डबल डैस इक्वल्स टू जीरो बोलोगे? और इस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या बोलोगे तुम? एस डबल डैस माइनस एस डैस इक्वल्स टू जीरो बोलोगे? यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस जो होगा वो क्या कहलाएगा? रेडिकल सेंटर कहलाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यानी कि इस रेडिकल सेंटर से अगर तीनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगा। समझ में आ रही बात है? हेलो
क्लियर है सबको? यस सर। हाँ यस। तो इस रेडिकल सेंटर से अगर तीनों सर्कल पे अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करें तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगा। और रेडिकल सेंटर अगर सोचो क्वेश्चन में हमें रेडिकल सेंटर फाइंड करने के लिए बोला है, तीन सर्कल दे दिया है, तो क्या करेंगे? दो सर्कल के हेल्प से एक रेडिकल एक्सिस फाइंड करेंगे और दो सर्कल को और लेंगे एक रेडिकल एक्सिस फाइंड करेंगे, क्या उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल सेंटर आ जाएगा? बताइए ऐसा होगा क्या? अब सोचो यहां से अगर तुमने इस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, ये तुम्हारा ए आ गया, इस पे ड्रॉ किया और ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा बी है और इस पे तुमने किया ये तुम्हारा सी है। तो हमने क्या बोला, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगा। तो क्या तुम ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बताओगे? क्लियर है सबको? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये एक प्रॉपर्टी है आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस प्रॉपर्टी में क्या बोला है, जो द रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल, ठीक है ना, ये जो रेडिकल सेंटर तुमने फाइंड किया है, अब तुम क्या करना चाह रहे हो, अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर तुम क्या करना चाह रहे हो, रेडिकल सेंटर जो है उसको तुम ना ये थर्ड फोर्थ सर्कल का सेंटर बना दिए हो, समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, अब जो फोर्थ सर्कल का सेंटर तुम बना दिए हो, तो अब ये बोल रहा है जो इसको ना ये इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है अगर यहाँ पे, तो उस सर्कल का जो फोर्थ सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा? बताओ इस फोर्थ सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा? ये बोल रहा है फोर्थ सर्कल का जो रेडियस होगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा। हमने इसमें प्रॉपर्टी क्या देखा, तीन सर्कल है, इन तीनों सर्कल के हेल्प से क्या मैं इस ओ को बोल सकता हूं जो ये जो है अपना रेडिकल सेंटर है? बताओ। रेडिकल सेंटर हमने बोल दिया। तो इस रेडिकल सेंटर को लेके हम लोग इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम उस पार्टिकुलर सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं जो इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके तो ये जो फोर्थ सर्कल है इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है जो इस सर्कल का अगर इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे, सेंटर तो तुम फाइंड कर लोगे, कैसे? रेडिकल सेंटर के हेल्प से। अब तुम्हें क्या रेडियस चाहिए होगा, तो रेडियस जो तुम्हारा होगा वो किसके इक्वल होगा बताएं? रेडियस तुम्हारा होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल। बातें क्लियर है? रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा इसका, लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो तुम फाइंड कर सकते हो ना। हेलो। यस सर। हाँ, अगर मान लीजिए ये ए है तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा, रेडियस हो जाएगा वो ओ ए के इक्वल, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल। तो अब बताओ इस फोर्थ सर्कल का तुम इक्वेशन लिख पाओगे? हाँ सर लिख पाएंगे। ये भी याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं फैमिली ऑफ सर्कल, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और कोई मीटिंग ज्वाइन करके रखो, 10 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं। ओके।